अपने माँ बाप क्या बहन और अपनी मम्मी को दिखाओ, बहन और मम्मी को दिखाए, दिखाओ जाके फिर तुम लोग गाइस अपने मॉम और अपनी बहन को दिखाओ और पूछो कि ये बंदे ने किधर से डिसरिस्पेक्ट किया एक लड़की का। डिसरिस्पेक्ट मतलब क्या होता है कि मैं अगर किसी को गाली दूँ, किसी को अगर मैं उल्टा सुनाऊँ, ठीक है, या किसी पे हाथ उठा दूँ ना, या कुछ वायलेंस अगर, वो डिसरिस्पेक्ट होता है ना। क्या मेरा पॉइंट रखना, ये डिसरिस्पेक्ट होता है। बताओ कौन सा डिसरिस्पेक्ट होता है? तुम लोगों को लगता है मेरे को डिसरिस्पेक्ट किया पायल का? चीज तुम एजुकेशन का बात करते हो, वो एजुकेशन का बात करते हैं, ठीक है, वो गेमर है, वो खुद स्ट्रीम करते हैं, खुद उनको पैसे कमाने हैं, ठीक है, मेंटर स्लैश कंटेंट क्रिएटर स्लैश ओनर को ओनर आई गेस है वो, और भी कुछ रहेगा। तो वो बोलते हैं, अभी मैं ये कोई लड़के को बोलता, ठीक है, मैंने जब इसके पहले भी कंट्रोवर्सी हुए मेरे ना सोल वालों के साथ, तभी उन्होंने इतना कुछ नहीं बोला। अभी वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो लड़की है, पायल पायल लड़की है इसलिए। तो क्या गेमिंग में ऐसा रहता है गाइज, गर्ल गेमर या बॉय गेमर ऐसा कुछ रहता है? क्योंकि उनके ही आई गेस ऑर्ग में एक लड़की है कंटेंट क्रिएटर जिनका नाम शेरलॉक गेमिंग है, उनके इंस्टा बायो पे थोड़े साल पहले या अभी भी आई डोंट नो क्योंकि मैं है रीज़न, तो उनके इंस्टा बायो पे था कि डोंट कॉल मी ए गर्ल गेमर आई एम जस्ट ए गेमर, ऐसा था। तो फिर कुछ ऐसा सीन रहता है क्या गाइस, गर्ल गेमर बॉय गेमर, और जब बात आती है कि लड़कों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं तब ऐसे ही लोग आ जाते हैं कि इक्वालिटी चाहिए। पायल के साथ जो सीन है, मैंने पायल को बोला, पायल ने अपने स्ट्रीम पे जाके बोला, ठीक है, उसने मॉक किया, उसने सरकैज़म में बोला, उसने मेरे को ट्रोल किया, किया मैंने वो चीज़ को लेकर रिप्लाई दिया नहीं। पर एक सीन किसी ने तो बोला कि अपने इंडिया के ही लोग अपने इंडियंस को ठरकी बोलते हैं और उनको नीचे खींचते हैं। भाई हमको ना ये मत सिखाओ, देशभक्ति एंड ऑल हमको मत सिखाओ, हम इधर ना पैसे कमा रहे नहीं है अपनी कंट्री के लिए, हम लोग अपनी कंट्री के लिए ना ट्रॉफी लेके आने का, भाई तो ना वो चीज़ तो मत ही सिखाओ, फ़र्क है तुम में हम में, ठीक है। जब इंडिया में इंटरनेशनल ट्रॉफी लेके आएगा ना कोई टीम या हम, तो ना सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट हम लोग की रहेगी, तब वो ये नहीं पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया, समझा? सोल और गॉडल की कॉन्ट्रोवर्सी में पायल पिस गई। भाई पहली बात तो तुमको कुछ पता नहीं है, ठीक है, जब पायल एंटिटी छोड़ के सोल में गई थी ना तब भी बहुत अच्छा रिलेशन था, समझा, तब भी हमारे जॉनी जी गॉड घातक अब भी इनफैक्ट उनका सही है, वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो क्यों तुमको, तुम हर बार सोल और गॉडल तुम करते हो, ठीक है, सोल और गॉडल के कंट्रोवर्सी में बेचारी पायल पिस गई। भाई वो दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है वो चीज़ में, उसका अपना अलग ही है, ठीक है, एजुकेशन का ज्ञान दे रहे हो, तुम्हारे डैड लोग मतलब तुम्हारे दूसरे बाप लोग पैसे गिनाते ना पैसे, कि पैसा 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 पैसा, तो बिना पढ़ाई करके भी, पढ़ाई बिना पढ़ाई करके भी नहीं बोल सकता, पढ़ाई करके भी फिर पढ़ाई वाला जॉब नहीं करके भी तुम्हारा बाप जितना पैसे कमाता उससे अधिक भी पैसे कमा लेता, कम से कम 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा लेता हूँ।